वाली पर्ची है। मैडम वोट के अलावा कुछ भी मांगती हो, वोट तो वोट ऑटोमेटिक में आदमी बात वोट मांगेगी भाई, और कुछ चाहिए ही नहीं मैंने दिया तो वोट चाहिए, वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारी सांसद की उम्मीदवार बहन शैलजा जी, समय बहुत कम है इनके बारे में कहने का तो बहुत कुछ है, जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी, हमारे बहुत ही सम्माननीय सीनियर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, हमारे भाई रणदीप सिंह जी सुरजेवाला, हमारे भाई विजेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित अन्य सभी हमारे मंचा सिंह साथी और यहाँ उपस्थित नरवाना की क्रीम सभी वेरका जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री पंजाब से आई बताओ यहाँ आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं आपका, और वैसे भी नरवाना वाले मेरे से मेरा अपना रूल तो ब्रेक करवा ही रहे हैं, मैं वैसे कायदे से रहती हूँ, कभी रूल्स ब्रेक नहीं करते, 10 बजे तक माइक अलाउड है, लेकिन मैं केवल आपसे अपील करूंगी कि ये चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, और जो पहले कहते थे कि भाई ये तो बड़ी वाली पर्ची है, मैडम वोट के अलावा कुछ भी मांग लियो, वोट तो वोट ऑटोमेटिक में अगली बार बोलो जी, वोट मांगने भाई और कुछ चाहिए ही नहीं मैंने जी, वोट चाहिए वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और कुछ नहीं, देने की जो बात है वो फिर हमारी बारी आएगी, देंगे तो हम देने की हमारी बारी आनी चाहिए। साथियों आप सब नरवाना की क्रीम है और आप खुद तो अपने आप में हैं ही यहाँ मौजूद, लेकिन आप बहुत इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं अपने अपने ढंग से, चाहे स्कूलों के माध्यम से हो, बिजनेस के माध्यम से, तो आप सबसे मैं अपील करूंगी सपोर्ट की, वोट की। और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे अब भाई वोट दियो इस बार तो इस बार जिसको भी ठोकने की बारी है भाई ठोक दियो हम तो आपके बीच के ही हैं, यहीं के हैं, जो भी है वो खिलाना है नरवाना है, कोई दूर दूर की बात नहीं है, पर वो आने की मैं हूँ, और पहले भी सिरसा से चुनाव लड़ती रही, बीच में अंबाला से लड़ी, और मेरा सौभाग्य रहा कि सिरसा ने भी मुझे हाईएस्ट मार्जिन से जिता कर भेजा था हरियाणा में, और अंबाला ने भी मुझे हाईएस्ट मार्जिन से जिता कर भेजा था पूरे 10 के 10 को, और इस बार नरवाना ज़रूर जुड़ा है, कुछ नया है कुछ नहीं है, क्योंकि आपस में अपने बहुत रिश्तेदारियां भी हैं, जान पहचान भी हैं, और फिर जब इन जैसे भाई और परिवार मेरे साथ यहाँ पे बैठे हों, आप जैसे लोग यहाँ पे हों, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई शक मन में रखना चाहिए, और आपका प्यार और आशीर्वाद की मैं पात्र हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे पूरा पूरा सपोर्ट देंगे, आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी और बातें करेंगे बाद में करेंगे, अच्छे से मिलेंगे, और चुनाव के बाद होपफुली जीतने के बाद मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।